हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग वेरी 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 गुड सो आज का जो हॉल है वो एज आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है आज का हॉल है एयर हॉल और मैंने मीशो से बहुत सारे ट्रेंडी ट्रेंडी एयरिंग्स मंगाए हैं एज यू ऑल नो फेस्टिवल्स आर नियर बाय और इस टाइम पे हमें ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए तो इससे पहले वाला जो मेरा हॉल था वो नेकलेस हॉल था ये एयरिंग तो बने रही मेरे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉल देखने के लिए तो बहुत सारे एयर रिंग्स हैं बहुत सारे एयरिंग्स आपको दिखाने हैं और बहुत लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि हम गर्मी में बैठते ज्यादा देर गर्मी में नहीं बैठा जाता है तो फटाफट से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो so, सबसे फर्स्ट आई गॉट दिस पार्सल विथ फाइव इयर इन दिस ये मैंने सब अलग अलग मंगाए थे बट सारे फाइव इयर एक ही सेलर के हैं और मुझे एक ही बॉक्स में रिसीव हुए हैं तो मैं एक एक करके आपको फटाफट से दिखाती हूँ तो so, सबसे पहले जो एयरिंग्स है वो है ये ग्रीन कलर के एयरिंग्स ये वाले एयरिंग्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मीशो पर ये ना मोनालिसा नाम से अगर आप मोनालिसा एयरिंग नाम से सर्च करेंगे तो इस टाइप के एयरिंग्स आपके पास शो होंगे और इसके जितने भी स्टोन्स है ना इस एयरिंग्स के सारे स्टोन्स के ना ये ऐसे पेस्टल कलर है ऐसे पेस्टल कलर बहुत कम होता है कि एयरिंग्स में मिलते हैं और ऑक्सीडाइज में आपको पेस्टल कलर्स के एयरिंग्स मिल रहे हैं मुझे बहुत पसंद आए हर तरह का पेस्टल कलर आपको मिलेगा ये आप देखो सी ग्रीन कलर है काफी प्यारा सा कलर है आप डिजाइनिंग देख सकते हो आप लुक देख सकते हो डिटेलिंग देख सकते हो छोटी छोटी डिटेलिंग इसमें की हुई है काफी प्यारा डिजाइन है और ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्वालिटी है काफी अच्छी क्वालिटी है Uh, हाथ में पकड़ते हो है, ऐसे हैवी फील हो रहा है तो मुझे ये काफी पसंद आया और आप देखो कानों में लगाओ और आप इस कलर की ड्रेस पहन रहे हो और साथ में ऐसे ऑक्सीडाइज एयर मोनालिसा ये कलर वाले कैरी कर रहे हो बहुत अमेजिंग है गाइस मेरी तरफ से ये अप्रूव्ड है मुझे बहुत पसंद है क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है टेन आउट ऑफ टेन सेकेंड इसमें मुझे रिसीव हुआ है ये ब्लू कलर के एयरिंग्स ये थोड़े से हैंगिंग वाले हैं ये भी और इसमें आप देखो ऊपर ब्लू कलर का स्टोन है कलर कितना डिफरेंट है यूनिक सा कलर है ऐसे एयरिंग्स आपको ईजिली मार्केट में नहीं मिलते हैं नीचे आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो ये एलिफेंट बना हुआ है और उसके नीचे ऐसे ये दो कलर ऐड किए हुए हैं पिंक एंड ग्रीन मैं पास से दिखा देती हूँ आपको और नीचे ये पर्ल की डिटेलिंग की हुई है ये पास से अगर आपको दिख रहा है आप ऐसे देखो आपको क्लियर पता चलेगा ये देखो और ये भी ऐसे पहने हो तो कितने प्यारे लगेंगे वो माई गॉड बहुत ज्यादा अमेजिंग है कलर वाइज वाइज़ क्वालिटी वाइज सब बहुत अमेजिंग है तो ये भी मेरी तरफ से टेन ऑन टेन नेक्स्ट वी हैव गॉट इन दिस इज दिस ग्रीन कलर ईयर ये आप देखो ग्रीन कलर के पेस्टल और इसका ग्रीन कलर आप पहले देखो मैं पास से दिखाऊं ये ग्रीन कलर देखो कितना शाइन कर रहा हो माई गॉड इसका अलग ही शाइनिंग है अंदर से ये देखो ऐसे दो शेड दे रहा है इधर से करूँ तो डार्क ऐसे करूँ तो लाइट तो ये थोड़ा सा इस टाइप के शेड्स हैं ऊपर आप देखो इसमें एलिफेंट बना हुआ है और नीचे इस टाइप से थोड़ा हैंगिंग नहीं है ये स्टिफ है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टड उसमें है फॉर्म में ये डेंगलर फॉर्म में नहीं है तो बहुत प्यारा है गाइज ये भी ये सारे ही एयरिंग्स जितने भी इस बॉक्स में है सारे मोनालिसा एयरिंग है और सारे ही बहुत अमेजिंग क्वालिटी के हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी क्वालिटी है इनकी आप ये देखो बहुत ही प्यारे हैं इसे पहने हुए बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं आपको आई एम श्योर तो मैं इसको डेफिनेटली बोलूँगी कि मोनालीसा एयरिंग थोड़े से महंगे ज़रूर है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ ड्यूब वगैरह मुझे लग रहे हैं क्योंकि ये मुझे क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग लगी है मुझे ऐसा लग नहीं रहा ड्यूब क्योंकि मीशो पे जो ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स आते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं तो ये भी अप्रूव्ड है तो नेक्स्ट इयरिंग जो इसमें रिसीव हुआ है ये वाले इयरिंग्स ये हैंगिंग में है और इनका कलर देखो पिंक पेस्टल कलर इस टाइप का कलर आपको फैब्रिक में ही बहुत मुश्किल से मिलता है इयरिंग्स में तो बहुत दूर की बात है और अब ये इयरिंग्स में भी अवेलेबल हो रहा है पास से आप देखो कितना प्यारा है क्वालिटी वगैरह आप देखो ऊपर पिंक बड़ा स्टोन है नीचे साथ में छोटे छोटे चार और पिंक कलर के स्टोन लगाए हुए हैं और नीचे पर्ल्स की हैंगिंग है बहुत अच्छा है गाइस बहुत अमेजिंग क्वालिटी है आप ये देखो पहनोगे तो बहुत सुंदर लग रहा है आप ये देखो एथनिक के साथ इसको कैरी करोगे तो कितना सुंदर लुक आएगा फेस्टिव आ रहा है गर्ल्स तो गो फॉर दिस ये आप किसी भी फेस्टिव इनफैक्ट आप इसको कॉलेज पहन के भी जा सकते हो क्योंकि ये इस टाइप की चीजें हैं कि आप इतना बहुत हैवी लुक नहीं दे रही है तो आप इसको कॉलेज में भी कैरी कर सकते हो अपनी कुर्तीज वगैरह के साथ बहुत अमेजिंग है गाइस तो ये भी आप डेफिनेटली बाय कर लेना लास्ट इसमें जो मुझे रिसीव हुए हैं वो है ये वाले ईयर और ये देखो इस का जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क है ये चेरी रेड कलर है है ये भी मोनालिसा एयरिंग बट ये चेरी रेड कलर है और इसका पैटर्न आप देखो ये नीचे से ऐसे डी लुक में है ऐसे ये वायर मुड़ी हुई है पर्ल है तो ये भी बहुत ही डिफरेंट है ये ऑक्सीडाइज नहीं है ये गोल्डन टोन में है और ये बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक सा अलग सा लगा मुझे बाकी सबसे तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया गाइस डेफिनेटली uh, इसको भी बोलूंगी मैं बाय करने के लिए और ये भी मेरी तरफ से टेन ऑन टेन है और भी हैं जो मैंने मोनालिसा इयरिंग्स मंगाए हैं तो सबसे पहले मैं आपको सारे मोनालिसा इयरिंग्स ही दिखाती हूँ सो नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रीन इयरिंग्स और ये स्टड है ये हैंगिंग में नहीं है ये आप देखो छोटे छोटे से हैं और इसका ग्रीन कलर देखो जो मैंने आपको पहले ग्रीन कलर दिखाया था वो अलग था और ये ग्रीन कलर अलग है तो आप सोचो मतलब ग्रीन के भी इसमें बहुत सारे टोन्स हैं आपको ह्यूज ऑफ ग्रीन देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग टोन्स देखने को मिलेगी आपको जो टोन चाहिए हो वो आपको मिल जाएगा

बहुत सुंदर लगेंगे गाइज आप ये देखो छोटे छोटे से एयरिंग्स ऐसे कैरी करने पे कितने प्यारे लगेंगे तो ये भी मेरी तरफ से टेन ऑन टेन है वी हैव दिस मोनालिसा एयरिंग्स और ये पिंक टोन अलग है जो मैंने आपको पहले एक पिंक टोन दिखाया था ये उससे और लाइट आ जाता है ये बिल्कुल बेबी पिंक में है और आप देखो इसमें भी मैं अगर इसको ऐसे मूव कर रही हूँ तो इसमें शेड लाइट डार्क हो रहा है मतलब इसमें आप ट्रांजिशन देख सकते हो शेड्स की और इसका लुक देख सकते हो ये भी हैंगिंग में नहीं है ये भी इस टाइप से थोड़ा सा स्टड लुक में है और इसका आप देखो तो ये जुमेट्रिकल शेप टाइप में है जो ऐसे जैसे क्या बोलते हैं इसको बीच में एक्स बना हुआ है ये हेक्सागन बना हुआ है ये स्क्वायर बना हुआ है थोड़ा टेढ़े फॉर्म में और साइड में दो यहाँ पे स्टोन्स लगा रखे हैं तो ये जुमेट्रिकल शेप्स में इसको बनाया हुआ है और लुक आप देख सकते हो बहुत प्यारी लुक आ रही है काफ़ी अच्छा है कलर बहुत अमेजिंग है एंड इसकी क्वालिटी 10 on 10 again. नेक्स्ट वी हैव दीज मोनालिसा झुमकीज इसमें झुमकीज भी हैं और आप इसमें देखो बीच में ये येलो मस्टर्ड स्टोन है और मस्टर्ड का भी बहुत डिफरेंट सा शेड है और इसकी डिजाइनिंग आप देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो पहले तो मुझे लगा था ये आई थिंक उल्लू टाइप कुछ बना हुआ है बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ साइड में इसमें एक छोटी फिश है और ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपको पता चले तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या बना हुआ है और नीचे आप देखो इसकी झुमकी देखो कितनी प्यारी लग रही है लुक कितना सुंदर इसका यूनिक सा डिफरेंट सा लुक बनाया हुआ है ऊपर ऐसा कुछ है, बीच में ये स्टोन लगाया हुआ है और नीचे झुमकी बहुत सुंदर है पर्ल्स कानों में पहनी हुई है, 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 है गाइज बहुत है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है टेन ऑन टेन मोनालिसा है, है 10 10 so उसके बाद मैं आपको दूसरे इयरिंग्स दिखाने वाली हूँ सो वी हैव दिस ब्लू कलर इंग्स रॉयल ब्लू कलर और इसमें आप देखो डार्क कलर भी अवेलेबल है और डार्क कलर भी कितना प्यारा लग रहा है पेस्टल कलर्स तो अलग लुक दे ही रहे हैं और डार्क कलर भी कितना प्यारा है और इसको लाइट के साथ कंबाइन किया हुआ है ये डार्क और साइड में लाइट ब्लू कलर और इसका डिजाइन आप देखो बहुत ही डिफरेंट सी डिजाइनिंग की हुई है डिटेलिंग वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो मतलब इस टाइप की डिजाइनिंग ना मैं पहली बार देख रही हूँ ये न्यू सी डिजाइनिंग है ऑक्सीडाइज में इस टाइप के ईयरिंग्स मैंने कभी पहले देखे नहीं है बट ये बहुत डिफरेंट से ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स है इनकी डिजाइनिंग वगैरह सब डिफरेंट है क्वालिटी बहुत अमेजिंग है सब में पर्ल्स की डिटेलिंग है और सब पहने हुए बहुत सुंदर लगने वाले हैं तो ये भी मेरी

बहुत ही सस्ता है फिफ्टीन रुपीज़ का एक एयरिंग आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगा फिफ्टीन रुपीज़ का एक एयरिंग कहीं भी तो इस टाइप के एयरिंग्स हैं इसमें आप ये देखो ये छोटे पतली पतले से हुप्स हैं ये थोड़े से उससे थिक हुप हैं फिर ये पर्ल वाले पर्ल वाले, वाले हुप्स नहीं बोल सकते इनको क्योंकि ये बीच में ऐसे कट वाले हैं तो थोड़ा सा बाली टाइप आएगा ये बाद में इसमें ये तीन स्टट दिए हुए हैं एक पर्ल वाला एक स्टोन वाला और एक ऐसे प्लेन और उसके बाद ये थोड़े बड़े हुप्स हैं आप ये देखो थोड़े से जो ऐसे आजकल चल रहे हैं वेस्ट

कलर की ही हैंगिंग है जो मोना जमोना ले उसमें पर्ल हैंगिंग थी इसमें सिल्वर हैंगिंग है नेक्स्ट इसी डिजाइन का सेम दूसरा पैटर्न है मतलब कलर डिजाइनिंग वगैरह दोनों की सेम है बट इसमें ब्लैक कलर था इसमें मल्टी कलर है आप ये देख सकते हो सेम है डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ नेक्स्ट मेरे पास है ये इस टाइप के ईयर इसमें भी ये ब्लैक कलर है नीचे इसमें छोटी छोटी सी झुमकियां बनी हुई है और दूसरा पैटर्न भी कुछ इसी टाइप का है ये ग्रीन कलर है और इसमें झुमकियों की तरह झुमकियों की जगह ये दिया हुआ है वैसे तो ये बहुत अच्छा है प्राइस वगैरह के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है बट यार थोड़ा सा क्वालिटी वाइज मैं बोलना चाहूंगी कि क्वालिटी वाइज ये बहुत लाइट वेटेड है अगर मैं इसको रेटिंग करना चाहूँ तो अराउंड uh, मैं इसको सेवन आउट ऑफ टेन देना चाहूंगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो है बहुत ही हल्की क्वालिटी के हैं बिल्कुल भी वेट नहीं है थोड़ा बहुत इसमें वेट होना चाहिए था या प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें चार ईयर मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्वालिटी इन्होंने बनाई हुई है बट या थोड़ा सा प्राइस महंगा कर दो बट इसकी क्वालिटी ठीक कर दो सो दैट यूज़ तो आए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हल्का सा भी कुछ करो और मुड़ जाएगा तो ये थोड़ा सा मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगी क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा लो है गाइस सो नेक्स्ट वी हैव दिस कॉम्बो ये मुझे एक ही डिज़ाइन के दो कलर के एयरिंग्स मिले हैं एक ही बॉक्स में एक साथ मतलब डिजाइनिंग एक है सिर्फ कलर है व्हाइट एंड ब्लैक और ये बहुत ही प्यारे लगे मुझे आई I मीन mean, मतलब ये ना ऐसा है कि इसे लंबे लंबे जाएंगे और नीचे ऐसे छोटी छोटी सी हैंगिंग लटकेगी तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे बहुत ही अच्छे लगे क्यूट से लगे मतलब आई जस्ट लाइक कि मैं इसको बस देखती रहूँ मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं ये और क्वालिटी वाइज आप देखो तो पास से दिखाती हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी है स्टोन में शाइनिंग है पर्ल्स में शाइनिंग है काफ़ी अच्छी है और इसकी जो आ, अगर मैं आ, वेट वाइज बोलूँ तो वेट भी इसका ठीक है इसके अकॉर्डिंग क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है सिर्फ नीचे झुमकी है तो उसके अकॉर्डिंग ये वेट वाइज भी सही है हल्का नहीं है बिल्कुल भी तो ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है और टेन ऑन टेन है सो नेक्स्ट मेरे पास जो एयरिंग्स है वो ये वाले एयरिंग्स है आप ये देखो ये थोड़ा थोड़ा मोनालिसा लुक में है बट ये मोनालिसा एयरिंग्स नहीं है ये नॉर्मल है आप देखो इसकी डिजाइनिंग वगैरह इसमें ऊपर ऐसे ये दो बर्ड्स बनी हुई है बर्ड्स के नीचे ऐसे बर्ड्स बना के नीचे से पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है और इसमें छोटे छोटे से स्टोन्स है येलो कलर के और नीचे पर्ल्स की हैंगिंग है तो येलो कलर है तो ये भी मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है व्हाइट भी है सब कुछ है पूरा बहुत अच्छे से मैच कर रहा है क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है पास से आप देखो तो इसकी डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छे से की हुई है आप ये देखो बहुत अच्छे से इसकी डिटेलिंग की हुई है आप ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये बर्ड्स वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं डिजाइनिंग बहुत अच्छी है तो गाइस ये भी अप्रूव्ड है टेन ऑन टेन दिस इज द लास्ट एयरिंग ऑफ दिस हॉल सो मैं मैंने एक ये एथनिक एयर भी मंगवाए हैं क्योंकि सारे थोड़े से ऑक्सीडाइज इंग्स हो गए थे तो एक मैंने ये एथनिक ईयरिंग भी मंगाए हैं आप ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर में है ये आई थिंक इसमें और भी कलर अवेलेबल है अगर होंगे तो मैं नीचे दिखा मैंशन कर दूंगी और देखो बीच में इसमें पर्ल की पूरी ये पर्ल की चेन है और साइड में कुंदन है और उसके बाद पॉल की डिटेलिंग की हुई है नीचे भी पर्ल है और कुंदन है पास से देखो लुक देखो इसकी पास से आप ये देखो डिटेलिंग इसकी लुक इसकी पूरी आप पास से क्वालिटी वगैरह सब देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी का है गाइस इसको आप सारी सूट किसी के साथ भी पहन सकते हो और बिल्कुल छोटे नहीं है आप देखो कितने बड़े बड़े हैं ये भी अप्रूव्ड है मेरी तरफ से डेफिनेटली टेन ऑन टेन तो यह गाइज दिस इज एट ये थे मेरी सारे एयर कलेक्शन जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किए हैं अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल टिलदन बाय टेक केयर